मिलवाता हूं जहां भिवानी का कोई दखल नहीं था, वहां बादशाह हो गए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कल्चर के नाम पे भिवानी में केवल एग्रीकल्चर है, उससे आगे हम कभी गए नहीं। लेकिन उस कल्चर के फील्ड में, उस संगीत की दुनिया में, मैं हंसराज हंस को बताने वाला था कि साहब आप जो संगीत गाते हो उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कोई आदमी करता है तो हमारे भिवानी का हंसराज प्रल्हाद करता है। तालियां कुंजो थके गया, नगरा थक गया। चरखी दादरी में वह आदमी पेचकस लेकर रेडियो ठीक करता था। रेडियो समझिए बात को, आसान है क्या? हंसराज का बड़ा नाम है और तारीफ करो तो थोड़ी बहुत, इतनी बहुत है। 20 करोड़ लोग YouTube पे फॉलो करते हैं, सोनोटेक कंपनी है आपकी। और हरियाणवी म्यूजिक में मैंने एक जलवा देखा था, एक बार मुझे गांव में लेकर अग्नि कॉम्पिटिशन में। अगर मैं तो अपनी दुनिया का बादशाह हूं, अभी में तो मुझे कहीं ले जाओ, हाँ मुझे कौन जाने में कौन हूं। पर मुझे अच्छा लगा हरियाणा के बड़े से बड़े कलाकार ने जिसके पांव छुए वो आपका भिवानी का बेटा हंसराज चौहान था। आइए कुछ मंत्र हम सुन लें आज के, और एक बार फिर तालियां बजा दो हंसराज जी माइक पर। एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री है हंसराज जी के ऊपर, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हंसराज जी अपना सक्सेस मंत्र शेयर करेंगे। जय श्री राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। दोस्तों, हरियाणवी संस्कृति को पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए एक म्यूजिक कंपनी की शुरुआत करने वाले का नाम है हंसराज रलहन। हंसराज रलहन ने अपनी मेहनत से मैना कंपनी की कामयाबी की नई इबारत लिख दी। एक किसान के बेटे ने ऐसी म्यूजिक कंपनी का निर्माण किया जो आज पूरे हरियाणा की नंबर वन कंपनी बनकर सामने आई है। इस कहानी की शुरुआत सन 1978 में हुई। भिवानी जिले के चांग गांव के किसान के घर में जन्मे हंसराज रलहन ने एक रेडियो टीवी मैकेनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की तथा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए सन 1985 में मैना कंपनी का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने हरियाणवी कंपटीशन, भजन गाने तथा नाटक आदि का ऑडियो बनाया। धीरे धीरे हरियाणवी संस्कृति को पूरे भारत में फैलाने के लिए सन 1998 में दिल्ली के दरियागंज में सोनोटेक कैसेट कंपनी की शुरुआत की, जिसमें हिंदी, हरियाणवी व फिल्मों का निर्माण किया गया। सोनोटेक में पहली फिल्म फक्कड़ रिलीज हुई और इसके साथ साथ बहुत सारी फिल्में सोनोटेक से रिलीज हुई, और इस तरह सोनोटेक ने पूरे उत्तर भारत के बहुत सारे कलाकारों को पूरे भारत में पहचान दिलाई और साथ में उन्हें सम्मानित भी किया। और आज हंसराज रलहन की इस मेहनत से ही हरियाणा को एक ऐसा मंच मिला है जो नए उभरते कलाकारों को भारत में पहचान दिला रहा है। आज सोनोटेक में पूरा काम डिजिटल तरीके से होता है तथा हरियाणवी संस्कृति को दिखाने के लिए मैना कैसेट्स का, उसके बाद सोनोटेक कैसेट्स, सोनोटेक भक्ति, सोनोटेक हरियाणवी, सोनोटेक फिल्म्स, मैना टीवी चैनल, बिहारी बोर्ड, लोकधुन पंजाबी तथा वेब म्यूजिक 10 चैनलों से प्रसारित भी किया जाता है। और आज सोनोटेक में ऑडियो वीडियो व फिल्म प्रोडक्शन का कार्य भी किया जाता है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। जय हरियाणा। अब तक आप सुन रहे थे, कोई अंग्रेजी बोल रहा था, कोई हिंदी में, मैं तो भिवानी की भाषा में बोलूँगा, भिवानी का हूँ, हाँ भिवानी ही बोलूँगा। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि हो, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। मेरा नाम हंसराज रलहन, मैं भिवानी जिले के चांग गांव से एक किसान का बेटा हूँ। मैंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई चांग से ही सरकारी स्कूल में की थी, उसके बाद
मेरा एक जैसे अभी बता रहे थे गोल होना चाहिए, एक बहुत बड़ा उस टाइम बचपन में छोटा 17 साल की उम्र में ही मैंने एक बहुत बड़ा गोल सोचा था कि मैं चाहता था कि एक ऐसी इंडस्ट्री को खड़ा करूं जिसमें कल्चर के नाम पर और हमारे कलाकारों को एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उन कलाकारों को एक मंच देकर मैंने हमेशा ही लोक संगीत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। स्टार्टिंग में मैंने रेडियो मैकेनिक का काम स्टार्ट किया माँ चक्की दादी से 1978 में, पहले हंस रेडियो सर्विस के नाम से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर टीवी और टेप रिकॉर्ड, इसकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैंने मैकेनिक का और इसको सेल और सर्विस का भी काम स्टार्ट किया। लेकिन मेरा मोटिव ये था कि मैं कलाकारों को आगे कैसे किया जा सके, कलाकारों की संस्कृति के लिए मेरा कोई और कोई मकसद नहीं था, पैसा कमाना या मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी तरीके मेरा नाम हो या पैसा हो। लेकिन मैं एक ऐसा कार्य करना जा रहा था जो सभी इंडस्ट्री अलग अलग करते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई उद्योग लगाता है, लेकिन मैं विपरीत दिशा में चल रहा था और मैंने कलाकारों को इकट्ठा करने के लिए सोचा। और उस समय कोई कंपनी हरियाणा में या इधर नहीं थी, बॉम्बे और कलकत्ता ही कंपनी हुआ करती थी। कलाकारों को इकट्ठा किया और 1985 में मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम मैना कैसेट था। स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत हुई आर्टिस्टों को ढूंढने में, और क्योंकि उस टाइम ऐसा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि फ़ोन से संपर्क किया जा सके या किसी को पेपर या डिजिटल माध्यम से किसी का पता लगे कौन कलाकार है, कौन गाता है, कौन बजाता है, कौन राइटर है। तो उस समय बड़ी दिक्कत होती थी, फिर भी मैंने गांव-गांव जाके और शहरों में ये पता किया कि कौन कलाकार है और कौन कौन गाता है। हरियाणा के लगभग मैं सभी गाँव में 90% गाँव में गया हूँ जहाँ मैंने इंक्वायरी की कि कौन यहाँ पर गाता है। इस सारे कार्य में मेरे भाई भी हमेशा मेरे साथ रहे और मेरे परिवार ने, माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने पूरा सहयोग दिया। जब मैं ये कार्य करने लगा था तो कुछ लोगों ने मेरे गांव में ये भी आए थे कि आप ये कार्य ना करें क्योंकि कला ये जो आप करते हैं सांग नौटंकी या गीत गवाते हैं ये हम आप कोई और कार्य कर लें जिससे हमारी इमेज खराब ना हो। मैंने कहा ऐसा कोई इमेज क्यों खराब होगी, और एक कलाकार कितने कलाकारों के परिवार को पालता है, उसके बाद उसका ग्रुप बन जाता है, कोई संगीत बजाता है, कोई गाता है, तो आगे उनको रोजगार भी मिलेगा और उनका नाम भी होगा। किया तो उसको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने की उस टाइम भी इच्छा थी मेरी, तो एक कैसेट से 3 कैसेट बनती थी सिर्फ। उसके बाद मैंने उसके बढ़ते बढ़ते लास्ट तक मैं स्टेज तक पहुंचा जब ऑडियो लास्ट तक थी कि एक मास्टर से 300 कैसेट भी उससे बनाई जा सकती थी जो एक 13 मिनट के अंदर तैयार हो जाती थी। मैंने अपना हर कार्य को इस लिहाज से किया कि बड़े से नीचे ना जाना पड़े, लेकिन मैं छोटे से ऊपर जाना हमेशा पसंद करता था। और मैंने काम के लिए हमेशा ही सच्चाई और ईमानदारी से किया, कड़ी मेहनत से किया। मैं दिन में काम करने के बाद रात को प्रोग्राम को जब ये होते थे रात को मैं रिकॉर्डिंग करता था, और उसी समय वहाँ से हमें मास्टरिंग के लिए दिल्ली आना पड़ता था तो मैं अपने कंधे पर गिल्ला तौलिया रख के ताकि गाड़ी में नींद ना आए खुद ही ड्राइव करके मैं अपना दिल्ली में आता था और सुबह मास्टरिंग करा के फिर रात को वहाँ पहुँच जाते थे वापस गाड़ी, और उसके बाद मास्टरिंग करके पूरे हरियाणा में सप्लाई को किया करता था। मैंने इस कार्य को जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई, उसके साथ साथ मैं चलता रहा। उसके बाद मैंने 1998 में इस प्लांट को दिल्ली में लगाया, और दिल्ली में इसको इसलिए लगाया कि हरियाणा से ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत थी, पहले रॉ मटेरियल दादरी जाता उसके बाद तैयार करने के बाद दिल्ली जाते, फिर दिल्ली से सब जगह भेजना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए मैंने दिल्ली में इसको आगे से कार्य शुरू किया। और उसके बाद सोनटेक कैसेट का नाम उस समय आया। उसके बाद हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब और मैंने MP के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कंपनी के नाम से मैंने अपनी फर्म बनाई, जैसे कि बिहार में अलग और राजस्थान में चेतक के नाम से, पंजाब में अलग लोकगुन पंजाबी के नाम से, और सोनटेक का नेशनल नाम बनाने के लिए सोनटेक, ऐसी फर्मों का अलग अलग नाम से मैंने चीज़ों को तैयार किया। और मैंने एक विशाल जो कॉपीराइट था जितनी भी कंपनियां जो बेच रहे थे मैं उनको खरीद रहा था, ये सोच के किया कि मैंने इस संस्कृति को एक ऐसी लैब बना देनी है जिसमें सभी कलाकारों का, आज कोई भी कलाकार कहता है कि मैं 30 साल पहले गाता था, उसका सबका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड और पूरी लैब है जो एक लोक संस्कृति के लिए हो रहा है। मैंने न कि रीजनल में नाटक, भजन, फिल्में
बल्कि अनेकों कलाकारों को ऐसे जो राइटर थे जो संगीत लिखते थे अच्छा, उन सबको भी एक अच्छी कलाकारी की जगह देके उनको अच्छा नाम करके उनके लिए बहुत अच्छी, हमने फिर जब देखा कि यहाँ पर फिल्म का भी उद्योग किया जा सकता है, नहीं तो फिल्म के लिए पहले हमेशा ही बम्बे या कलकत्ता या पूना जाना पड़ता था, उसके लिए मैंने गांव के एक ऐसे कलाकार जो बिल्कुल कभी जिन्होंने कभी कैमरे का कभी सामना ही नहीं किया, उनको लेकर के भी मैंने ऐसी फिल्में बनाई जिसमें उन कलाकारों ने अपनी कला के मंच से इतने हैवी प्रोजेक्ट तैयार किए वो देख के बम्बे वाले भी दंग रह गए, जिसमें ऐसी काफ़ी फिल्में बनी जैसे मेरी डॉक्टर छोड़ा, करमवीर, निकम्मा, अकड़, जिन्होंने बहुत उच्च स्तर पर सराहाया और उन्होंने उनको पसंद किया। कई बार कहते थे लोग कि आर्टिस्ट को जाना चाहिए बम्बे या उनके लिए वहाँ पे जाके अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छी फिल्में बनेंगी तो अच्छा उसका नाम होगा। मैं हमेशा विपरीत दिशा में चलता था, मैं ये कहता था कि मैं दिल्ली और नॉर्थ में ही अच्छी फिल्में और अच्छे कलाकारों को पैदा करके बम्बे वालों को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, न कि मेरे आर्टिस्ट वहाँ जाएं कि वो बम्बे जाके काम मांगे। आज 35 साल के बाद आप देखते हैं कि हरियाणा या यूपी राजस्थान पंजाब के बहुत बड़ा उद्योग ये हो चुका है। आज बम्बे वाले हमारे यहाँ फिल्में बनाने को मजबूर होते हैं, हमारे आर्टिस्ट बम्बे नहीं जाते, वो बुलाते हैं इनको, इसलिए कि वो आज से 35 साल पहले बनाया गया ये एक ऐसा चरखा था जिससे वो चलते चलते इतना बड़ा विशाल हो गया कि आज सभी लोग इसी भाषा को देख के बनाते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी उत्तर भाषा और अच्छे कलाकार यहाँ पे पैदा होते हैं। मैंने इस दो चार लेने बोलूंगा खत्म कर दें, आपने सिखाया बंद करा पहले पहले बोले जी ये पाप बोलना सीख लो बंद होना सीख लो खोकर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हार के जीत जाने का मजा ही कुछ और है। मेरे साथ जो काम करते हैं और आपको बताऊँ स्टाफ में मेरे लगभग 200-250 आदमी मेरे साथ भी यहाँ काम करते हैं जो मेरे अपने घर में हैं, उनमें मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, तुम कुछ और करते हो मैं कुछ और कहता हूँ। प्रधान जी, तुम कुछ और करते हो मैं कुछ और करता हूँ, तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ फिर मैं वो करूँगा जो तुम चाहते हो। इंसान का गोल होता है जैसे आप कह रहे हैं बनाना भी थी ऊंचा गोल, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। प्यार से अभी अंसराज दो ही अंसराज हैं भाई, एक तो एक चला गया एक मैं गया हूँ, वो खुशकिस्मती है वो पंजाब से है और मैं आपके बीच में आपका बेटा हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और आपको बता दूँ उनकी फिल्में, उनके बेटे की फिल्में और उनके गीत मैंने खुद रिलीज कर रखे हैं मेरी अपनी कंपनी में, इंसान उनके बेटे की भी जुगल किशोर की फिल्में भी मैंने रिलीज कर रखी और उनके खुद के गीत भी हैं। प्यार से प्यार है सीधी सी बात है, प्यार से प्यार है सीधी सी बात है, इश्क कब पूछता है कि क्या जात है, कोई हिंदू हो या के मुसलमान हो मेरी सोनाटेक कंपनी में सभी गा गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके खाने के बीच में ज़्यादा और नहीं बोलना चाहता, आप अपने खाने में हो, मेरी इतनी सफलता नहीं, मैं बहुत ही छोटा और बहुत हूँ, छोटा आपका बच्चा हूँ, कहीं गलती हो तो आप क्षमा चाहें, धन्यवाद। 40 से ज़्यादा ट्रॉफी है, 40 से ज़्यादा ट्रॉफी, 20 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, पूरा परिवार आ गया इंद्रा जी का, आ जाओ भाई राजधानी, आपके बिना क्या है, आ जाओ भाई। सोनोटेप कैसेट।